तो आप इसको एज ए सूट पहन सकते हो कुर्ता और बॉटम बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी साइज क्या लिया है मैंने कपड़ा क्या लिया है कितना लिया है वो सब मैं डालती हूँ तो आप वो जरूर चेक कीजिएगा एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमेशा की तरह लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड आप सभी ने मुझे विश किया नए घर के लिए उसके लिए थैंक यू सो मच ऐसे अपना प्यार बना के रखिए अभी जाकर देखिए वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग मैंने ले लिया है ब्राउन पेपर और उसके ऊपर हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे उसके बाद हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे आपको पता ही है ये एक हमारा सबसे बेसिक स्टार्टिंग है हम कैसे ड्राफ्ट बना स्टार्ट करते हैं सो अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे मैं अंदाजे से ले लूँगी लेंथ मतलब मैं ट्वेल्व इंच ले ले रही हूँ आप तेरह भी ले सकते हो बारह भी ले सकते हो क्योंकि इस लेंथ से हमको कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ शोल्डर और मेन जो अपर पार्ट है उससे मतलब है तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्वेल्व इंच पे मार्क करके इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली क्योंकि मुझे शोल्डर भी ड्रॉ करने हैं अब मेरे जो हाफ ऑफ शोल्डर हैं वो है एट इंच आपको पता ही है यहाँ पर मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी लेकिन इस ड्रेस में हमारे जो शोल्डर होंगे वो कम होंगे क्यों क्योंकि ये है एक स्लीवलेस ड्रेस सो यहाँ पे फाइव एंड हाफ पे मैंने इस प्रकार से मार्क कर लिया है जो कि फाइव एंड हाफ़ मेरा मेन आर्म होल रहेगा सो so, इस तरीके से हमने फाइव एंड हाफ पे एक वर्टिकल लाइन जो है डाउन डाउन करते हुए मार्क कर ली है यहाँ पर हम हाफ इंच जो है शोल्डर्स को डाउन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से डायगनल लाइन ड्रॉ कर लेंगे शोल्डर बनाने के लिए अब क्या करना है जो हमने पॉइंट फाइव इंच माइनस किया है ना उसके बाद हम ड्राफ्टिंग करेंगे लेकिन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो प्रॉपर याद रहे सो so, यहाँ पे 5.5 इंच मैंने शोल्डर ले लिया था अब देखिए जो 0.5 डाउन किया है वहाँ से हम इस प्रकार से यहाँ पे हाफ ऑफ शोल्डर ले लेंगे मतलब यहाँ पे आपको कम नहीं करना है यहाँ जितना आपका एग्जैक्ट शोल्डर है वही मार्क करना है तो एट इंच मार्क किया वन फोर्थ ऑफ अपर चेस्ट लेना है जहाँ से आपके होल होते हैं ना मेन बस् साइज़ नहीं जो अपर बस्ट होता है वो आपको उस हिसाब से इसमें मार्क करना है बहुत ही सिंपल सी ड्राफ्टिंग है मैंने मार्क कर दिया एग्जैक्ट इसमें कोई लूजिंग कुछ नहीं रहेगा यहाँ से हमारा फोल्ड होगा वो भी मैंने लिख दिया है आम होल बनाने के लिए मैं यहाँ पे टू इंच पे है ना एक डायगनल लाइन खींच लूँगी कॉर्नर पे और कुछ इस प्रकार से इसको मिला दूँगी अभी मैंने मिला दी है आम होल वाली लाइन और यहाँ पे देखिए टेन इंच मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे जो कि है हमारा वन फोर्थ ऑफ अपर बस्ट ये देखिए इस प्रकार से मैंने पूरा अपना जो फ्रेम है उसको कट कर लिया ये है हमारा मेन फैब्रिक इंडियन फैब्रिक है मैं इंडिया से मैंने मंगवाया था अब देखिए ये है टू एंड हाफ मीटर फैब्रिक इसको हम क्या करेंगे ये देखिए दो लेयर्स हैं अभी अभी सबसे पहले हमें ये करना है इसको इस प्रकार से ओपन करना है ये इसका रॉन्ग साइड है और जो मैंने सबसे शुरू में दिखाया था वो उसका राइट right साइड है हम हमेशा जो ड्राफ्टिंग है मार्किंग है वो रॉन्ग साइड पे करते हैं तो इस प्रकार से मैं इसको बराबर से रख लूँगी ये देखिए कुछ इस टाइप से हमारा बिल्कुल इक्वल अच्छे से इसको जमा लेंगे हम टेबल के ऊपर ये देखिए टू एंड हाफ मीटर फैब्रिक पूरा का पूरा अब इसको हम क्या करेंगे जैसे अम्ब्रेला कट करते ना उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको डायगोनली फोल्ड कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा फैब्रिक दिखेगा अब हमें क्या करना है यहाँ पे हम ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से क्योंकि हाँ हमारा जो कॉर्नर्स होते हैं जहाँ से कपड़ा कट होता है वो सब इधर उधर होता है तो इसलिए उसको स्ट्रेट करेंगे यहाँ से हाफ इंच पे आप मार्क कर लीजिए क्योंकि हम इसमें हाफ इंच का मार्जिन लेकर इसको स्टिच करने वाले हैं और ये जो सिलाई आएगी ये एकदम सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक में आएगी अब हमें क्या करना है ये देखिए ये हमारा जो हमने ड्राफ्ट बनाया था वो है इसमें हमें नेक कट करना पड़ेगा तो 3.5 इंच मैंने ब्रॉडनेस ले लिया है लेंथ जो है वो मैं ले लूँगी नाइन इंच पूरी की पूरी क्योंकि मैं नाइन इंच इजीली पहन लेती हूँ अगर आपको और छोटा नेक चाहिए तो आप छोटा मार्क कर लीजिएगा अब देखिए इस प्रकार से स्केल रखा और यहाँ पर मैंने अभी तो इसको ना कर्व जो है वो ड्रॉ करके कट कर लिया है बट इट्स अप टू यू आपको एकदम स्ट्रेट भी रखना है या कर्व भी रखना है तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से मैं इसको जमा दूंगी जो ओपन साइड होगा वो सेंटर में होगा तो ये देखिए इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पे और हम इसको सेम टू सेम जो है मार्क कर लेंगे जो हमारा ड्राफ्ट है उसको तो अभी मैंने नेक को कुछ भी नहीं छेड़ा है नेक मैंने सोचा है कि मैं स्ट्रेट वी रखूँगी तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो अपर पार्ट का ड्राफ्ट हम बना चुके थे वो हमने ड्रॉ कर लिया है और बस हम इसको ना कट कर लेंगे इसके बाद लेकिन मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ क्यों क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे टेन इंच आया है हाफ इंच छोड़ दीजिए वो वैसे भी सिलाई में जाने वाला है अब हमें क्या करना है यहाँ पर इसकी लेंथ लेना है तो ये देखिए यहाँ से मैंने लेंथ लिया और फुल लेंथ हमारा जो भी अर्ज आएगा उतना हम रख लेंगे इसमें एक ये ड्रॉबैक है कि आप इसमें बहुत लंबा कुर्ता नहीं बना सकते हो उसके लिए फिर आपको सिक्सटी इंच वर्थ का कपड़ा लेना पड़ेगा अब देखिए यहाँ से हमने कुछ इस प्रकार से इसको कट कर दिया है ये आमूल भी कट हो गए हैं और यहाँ से भी हम जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी उसको कट कर लेंगे ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन कट तो इसमें हम हाई लो पैटर्न बना रहे हैं फ्रंट का एक्स्ट्रा और बैक का थोड़ा सा लॉन्ग अब ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम एक और फोल्ड कर लेंगे सेम उरेव में बायस में अम्ब्रेला में जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे जो हमारा मेन बैक का लेंथ है लॉन्ग वाला उसका मार्क करना है तो उसका मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ शोल्डर से हम लेंगे इंच टेप और यहाँ पे हमारा आ रहा है फोर्टी थ्री इंच तो फोर्टी थ्री इंच में मैं इस प्रकार से दूसरे साइड भी मार्क कर लूँगी ये देखिए और यहाँ पे क्या करूँगी स्केल को रखूंगी उसका कर्व वाला साइड कुछ इस टाइप से और इसको मार्क करेंगे ये देखिए ये हो गया है मार्क और अब इसको हम कट कर लेंगे सो ये हमारा ड्राफ्ट जो है वो कट हो गया है है ना बहुत इजी इसलिए मैंने इसको बहुत इतमान से बताया आप लोगों को कि कोई डाउट ना रहे अब रही बात फ्रंट जो हम हाइलो पैटर्न बना रहे हैं उसकी तो कुछ इस प्रकार से मैं जो ऊपर का पार्ट है उसमें मार्क कर लूँगी और उसको कट कर लूँगी ताकि प्रॉपर हाइलो पैटर्न आए अभी हम इसको एक साइड कर देते हैं अब क्या करेंगे जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसी में से उसको हम कुछ इस टाइप से रखेंगे और ये भी दो लेयर्स हैं अब क्या करना है हमको ये वाला पार्ट को इस प्रकार से रख देना है जैसे कि हमने बड़ा कपड़ा रखा था ना सेम टू सेम हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको रख लेंगे क्यों क्योंकि हमें ना इसका नेक प्रॉपरली अच्छे से फिनिश करना है ये देखिए आप चाहे तो नॉर्मल पट्टी के साथ भी इसको फिनिश कर सकते हैं बट ये वाला जो आइडिया है जो मैं आपको अभी सिखाने वाली हूँ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें क्या फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से आ जाती है तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या है जो इसका कॉर्नर है वो कुछ अजीब सा है ऊपर नीचे हम इसमें यहाँ पे स्केल की हेल्प से इसको मार्क करेंगे और इसको कट कर देंगे ये देखिए अब इसका क्या एक हिस्सा जो है वो फोल्डेड है तो उसको भी हम कट कर लेंगे अब कट करने के बाद हम इसमें क्या करने वाले हैं ये देखिए मैं आपको पहले तो एग्जैक्ट इसको अच्छे से रख के बता देती हूँ कि जो मैंने कट किया वो इक्वल है या नहीं तो ये देखिए ये एकदम इक्वल कट हुआ है अब हमारा ये जो ड्राफ्ट है वो रेडी है आते हैं हम स्टिचिंग पे स्टिचिंग के लिए मैंने क्या किया है ये जो ये वाला कॉर्नर्स है ना जो फ्रंट में आएंगे हमारे इसमें मैंने कर लिया है इंटरलॉक दोनों पार्ट्स में कुछ इस प्रकार से इसको अलग रखती हूँ और जो इसका मैंने फ्लैप बनाया है ना नेक और आर्म होल का उसमें भी मैंने इसके कॉर्नर पे इंटरलॉक कर लिया है अब हमें क्या करना है ये देखिए ये है हमारा मेन पार्ट जब मैं इसको ओपन करूँगी तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि हमने पांच शेप का नेक बनाया है तो ये नेक नहीं है ये है आम होल अब इसमें हम क्या करेंगे जो हमने पट्टी टर्न करने के लिए कट की थी ना उसको इक्वली अच्छे से मेजर करके रखेंगे हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर और हम इसमें सबसे पहले जो है वो आर्म होल फिनिश करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ एक यहाँ पे ना अपन निडिल लगा लेते हैं उससे अपने को पिन लगा लेते हैं उससे अपने को और इजी हो जाएगा हाफ इंच का मैं इसमें मार्जिन लूँगी प्रॉपर हाफ इंच का कोई कम ना कोई ज़्यादा हाफ इंच लेना है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमको सिलाई करते जाना है जैसे कि हम यूजली स्लीवलेस जब फिनिश करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे मैं लॉक कर दूँगी कॉर्नर पे क्योंकि जब हम पहने तो वो ना फटे नहीं आम होल से हमारे तो कुछ इस प्रकार से हम हैं इसका होल बना लेंगे ये बन गया आम होल अब क्या करना है इसमें हम नॉचेस लगाएंगे नॉचेस लगाने से आपको पता ही है शेप अच्छा आता है फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है तो कुछ इस प्रकार से हमने नॉचेस लगाए हैं अब ये जो हमारा पट्टी है ना फोल्ड करने वाली इसमें हम अंदर साइड पे एकदम सीम लगाएंगे फिनिशिंग के साथ तो ये यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसमें टॉप सीम जो है वो लग रही है और टॉप सीम आप जब भी लगा देते हैं ना तो आपको पलटने में बहुत फिनिशिंग अपने आप आ जाती है ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गई है हमारी टॉप सीम अब मैं इसमें ना आयरन कर लूँगी उसके बाद आपको दिखाऊंगी अभी तो ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है सेम टू तो सेम दूसरा वाला पार्ट भी कर लूँगी तो ये एक पार्ट है ये दूसरा पार्ट रेडी है इसमें हमने प्रेस भी कर लिया है और अब आपको दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से रख लिया है मैंने अब इसमें क्या करना है जो शोल्डर्स है वो हम सबसे पहले फिनिश कर देंगे साथ में ही तो शोल्डर फिनिश कैसे होगा ऐसे रखा हमने और एक दूसरे का ही हमको वो जो दूसरा पार्ट है उसका अलग शोल्डर फिनिश करना है इस पार्ट का शोल्डर अलग फिनिश करना है ताकि जब हम इसको पहने तो हमारा ना यहाँ पे जो शोल्डर पट्टी होती है वो फिनिशिंग वाली आए तो कुछ इस प्रकार से हम शोल्डर को जॉइन कर लेंगे ये देखिए अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है उसका भी शोल्डर जो है वो जॉइन हो जाएगा शोल्डर जॉइन हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं अब हम इसको क्या करेंगे इसको करेंगे हम इस प्रकार से टर्न सो so, टर्न करने के बाद ये देखिए कितने अच्छे से हमारा जो आर्म होल है वो फिनिश हुआ है अब आती है बारी नेक फिनिश करने की कि भाई हम नेक कैसे फिनिश करेंगे जब हमने आर्म होल पहले से ही स्टिच कर दिया है तो इसका भी सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले तो ये आप दोनों पार्ट्स देख ही चुके हैं कि किस प्रकार से आया है और नेक जो है वो हम इस तरीके से फिनिश करेंगे ये मैं आपको पहली बार इस तरीके से नेक को फिनिश करना बता रही हूँ और हम इसको पहले ऑफकोर्स आयरन करेंगे जो कि मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको आयरन कैसे करना है उससे पहले हम ना नेक का जो है वो लेंथ फिर से इसमें मार्क कर लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस प्रकार से रखा और नाइन इंच पे जो है मैंने मार्क कर लिया है अपना नेक अब देखिए यहाँ पे नाइन इंच इस प्रकार से जब नापेंगे तो नाइन पॉइंट फाइव इंच आएगा सीधे नापोगे तो नाइन इंच आएगा तो इस प्रकार से नाइन पॉइंट फाइव इंच पर मैंने इस पर मार्क कर दिया है अब मुझे क्या करना है पूरे चारों साइड पे मार्क कर लेना है ताकि जब मैं स्टिच ना तो मुझे पता रहे कि ओके यहाँ तक स्टिच करना है ये देखिए अभी मैं यहाँ पे ना मेजर कर लेती हूँ बिल्कुल शोल्डर से मिला के दोनों पार्ट्स को तो देखिए यहाँ पे आया है और मैंने इसमें मार्क कर लिया है अब मैं क्या करूँगी अब मैं इसको जो है स्टिच करूँगी तो जहाँ हमने नाइन पॉइंट फाइव इंच में मार्क किया है ना वहाँ से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे डाउनवर्स तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी जो है सिलाई वो फ्रंट की रेडी हो जाएगी सेम तरीके से हम बैक की भी कर लेंगे शोल्डर से पहले मिला लेंगे नेक का जहाँ पे निशान है वहाँ से हम मशीन स्टार्ट करेंगे अपनी सोइंग स्टार्ट करेंगे तो इस प्रकार से हमारा जो बैक वाली सीम है वो भी रेडी हो गई है तो ये देखिए ये हो गया है हमारा सिलाई का काम अब आते हैं हम आयरन करने के लिए तो ये जो हमने सिलाई की है ना इसको हम स्प्लिट करेंगे बोथ साइड और इसमें ना एकदम अच्छी हॉट प्रेस जो है वो कर देंगे तो ये देखिए इस प्रकार से हमने इसमें अच्छे से हॉट आयरन कर दी है दूसरा जो साइड है उसको भी हम सेम तरीके से करेंगे स्प्लिट करते हुए जैसे कि हम पैंट में करते हैं और इससे क्या है फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है तो कुछ इस प्रकार से हमारा रेडी है ऑलमोस्ट कुर्ता अब हमें नेक फिनिश करना है तो देखिए नेक फिनिश करने का तरीका बहुत सिंपल है तो ये देखिए सबसे पहले मैं हाफ़ इंच जो है इस प्रकार से नेक को पलट देती हूँ और इसके ऊपर मैं ना यहाँ पे बिल्कुल गरम आयरन जो है उससे पेस्ट मतलब पेस्ट नहीं करना है उसको अच्छे से आयरन कर लेना है सेम तरीके से जो दूसरा वाला साइड है वो भी हो जाएगा और मेरी जो आयरन है ये स्टीम आयरन है बट मैं स्टीम बहुत कम यूज़ करती हूँ ये देखिए तो इस प्रकार से जो दूसरा साइड है उसको भी हम हाफ इंच की मार्जिन से पलट लेंगे और उसके ऊपर आयरन कर लेंगे अच्छी बढ़िया हॉट आयरन अब क्या करना है ये है हमारा फ्लैप जो कि हमने सबसे पहले अभी आ, आम होल जब फिनिश किया था तब हमने यूज़ किया था उसको भी हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से हाफ इंच और इसके ऊपर भी हम जो है आयरन कर लेंगे तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा आ, जो अपर पार्ट है वो दिख रहा है अब दूसरा वाला साइड भी है तो दूसरा वाला साइड भी सेम तरीके से हम हाफ इंच का मार्जिन अंदर की साइड टर्न करते हुए इसको प्रेस कर देंगे तो ये देखिए ये हो गया है ये देखिए मैंने बैक वाला भी कर लिया है लगे हाथों फिर पलट के उसमें भी मैं प्रेस कर लूँगी और अब यहाँ पे मैं ना इसमें पिन लगा लेती हूँ ताकि मैं जब स्टिच करने लगूँ तो मेरा नेक जो है वो इधर उधर ना हो वैसे तो वो वैसे भी नहीं होता बट आप लोगों को ईज़ी तरीके से समझाने के लिए मैंने इसमें पिन लगा ली तो ये देखिए पिन हमारी लग चुकी है दोनों साइड पर अब हम स्टार्ट करते हैं नेक को स्टिच करना और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे जो हमारा बैक नेक का कॉर्नर है ना वहाँ से ये देखिए बिल्कुल एच पे आपको टॉप सीम लगानी है बिल्कुल बारीक उससे ना सुंदर भी लगेगा कुर्ता ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम जो नेक है उसमें एकदम बारीक सिलाई लगा के एकदम एच पे टॉप सीम लगाएंगे और इसी टाइप से दोनों साइड का जो नेक आगे से लेके पीछे तक है आ, सिलाई वो हम कर लेंगे इस पे ये देखिए ये हमारे नेक जो हैं वो डन हो गए हैं अब ये जो फ्लैप यहाँ से खुला हुआ है इसको हम टॉप सिम की हेल्प से बंद कर लेंगे तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने रखा उसको और यहाँ पे बस टॉप सिम लगा दी ये देखिए ये देखिए कितने फिनिशिंग से हमारा जो नेक है वो भी फिनिश हो गया अब हमें क्या करना है इसके ऊपर आयरन करना है अगेन और ये देखिए अगर मैं इसको ऐसे अच्छे से रखूँ ना पूरा स्ट्रेट तो आप देखिए यहाँ पे नेक भी नहीं दिखेगा आपको बट जब पहनेंगे तो ऑफ़कोर्स वो नेक अच्छे से दिखेगा और इसकी जो बॉटम है वो भी हम फिनिश कर लेंगे हाफ इंच की मार्जिन से ये देखिए इस प्रकार से अब हम जो अगला प्रोसेस करते हैं वो है जो हैम है उसको फोल्ड करने का तो कुछ इस प्रकार से हमारा पूरा जो फ्लेयर है वो फिनिश हो जाएगा आप चाहें तो अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं ये देखिए ये अच्छे से पूरा हमारा जो कुर्ता है वो रेडी है प्रेस वग़ैरह भी कर लिया है हमने इसके ऊपर ये देखिए और ये बहुत ही स्मार्ट कुर्ता है इसका जो आ, लुक है वो बहुत ही स्मार्ट है अब देखिए मैंने यहाँ पे पिन क्यों लगाई है क्योंकि समटाइम ये होगा कि भैया मैंने अगर कुर्ता पहना और इसका फ्लैप बाहर की साइड निकल गया तो तो इसलिए हम क्या करेंगे एकदम जो सेंटर वाली हमारी सिलाई है ना वहाँ पे एकदम बारीक सी सिलाई लगा देंगे सिर्फ जितना कि हमारा इसका फ्लैप है ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमने इसमें टॉप सीम लगा दी है तो ये देखिए एकदम और अच्छे से फिट हो गया है वो और हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तो कुछ इस प्रकार से हमारा कुर्ता रेडी है अब आपको हम इसका फ़ाइनल लुक दिखाते हैं तो ये देखिए ये रहा इसका फ़ाइनल लुक मैंने इसके नीचे जो है पैरल पैंस बनाए हैं और ये ना कुर्ता मुझे बहुत स्मार्ट लगा गर्मियों के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल लगा मैं और भी ऐसे कुर्ते बनाऊँगी डेली यूज़ में पहनने के लिए आपको कैसा लगा आप ये कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग